वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आए हैं उदयपुर की एक फेमस जगह सहेलियों की बाड़ी। दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम दिखाएंगे कि सहेलियों की बाड़ी में क्या क्या है, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज का व्लॉग और देखते हैं कि सहेलियों की बाड़ी में क्या क्या है। क्या आप जानते हैं सहेलियों की बाड़ी का निर्माण राणा संग्राम सिंह द्वारा शाही महिलाओं के लिए 18वीं सदी में करवाया गया था, इसलिए इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया है। इस उद्यान के बारे में कहा जाता है कि राणा जी ने स्वयं इस उद्यान को तैयार करवाया था और अपनी रानी को भेंट किया था, जो विवाह के बाद अपनी 48 नौकरानियों के साथ आई थी। यह उद्यान अपने खूबसूरत झरनों, हरे भरे बगीचों और संगमरमर के काम के लिए जाना जाता है। इस खूबसूरत बगीचे को आप देख सकते हैं। आइए हम अंदर चलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं इस खूबसूरत बगीचे को। आप यहां से देख सकते हैं कितना खूबसूरत गार्डन बना हुआ है और कितने हरे भरे पौधे लगे हुए हैं और बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर झरने भी चालू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा। अब हम संग्रहालय के अंदर चलते हैं। आप यहां से देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का मौसम हो, खूबसूरत झरने चल रहे हैं। यहां का बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं। यहां पर बहुत ही प्यारा चारों तरफ गार्डन बना हुआ है, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। कितना प्यारा गार्डन है आप यहां से देख सकते हैं। संग्रहालय के पीछे ये खूबसूरत कमल का तालाब बना हुआ है और यहाँ पर आपको हाथी दिख रहे होंगे, वह संगमरमर के बने हुए हैं। कितना अच्छा नज़ारा है आप यहाँ से देख सकते हैं और इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं दोस्तों, कितनी प्यारी है। ये 18वीं सदी में बनाया गया है। इसके हरे भरे बगीचे को आप यहां से देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है।
कितना शानदार नज़ारा है। सामने किसी स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कहाँ से आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप कहाँ से आए हो? ओके थैंक यू। संग्रहालय के पीछे राइट साइड में शानदार गुलाब के फूलों का बगीचा बना हुआ है। आप यहां से देख सकते हैं कितना शानदार बगीचा बना हुआ है। अभी गुलाब के फूल तो नहीं है, परंतु इसके पौधे लगे हुए हैं। आप यहां से देख सकते हैं कितना खूबसूरत गार्डन है। तो दोस्तों, आपको यह जगह कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।